नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शुभराज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप ज़ोंबी फंगस के बारे में जानते हैं? कैसे एक ज़ोंबी फंगस अपने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए चींटियों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं? कुख्यात परजीवी के तरीके किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तुलना में अधिक जटिल और अधिक भयावह है। यह फंगस ब्राजील जैसे उष्णकटिबंधीय देश में और जंगल में गहरे उद्यम में पाए जाते हैं। यह वन के तल से लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर लटका होता है। यह एक चींटी की केंद्रीय शिरा से चिपकी हुई मिलेगी। जब यह फंगस एक चींटी के शरीर को संक्रमित करता है तो यह उसके शरीर के माध्यम से बढ़ता है, उस चींटी के शरीर के पोषक तत्वों को खत्म कर देता है और उसके दिमाग को अपहरण कर लेता है। यह एक सप्ताह के भीतर चींटी को अपने घोंसले की सुरक्षा के छोड़ने और पास के पौधे के तने पर चढ़ने के लिए मजबूर करती है। यह फंगस जब पूर्ण रूप से चींटी को अपने काबू में कर लेती है तब यह फंगस स्पोर के कॉलोनी में बारिश करते हैं और उन्हें ज़ोंबीफाइड बना देते हैं। है ना भयानक फंगस। दूसरा, दोस्तों क्या आपको पता है वर्तमान में स्थित 50 सितारा अमेरिकन ध्वज एक हाई स्कूल के छात्र द्वारा डिजाइन किया गया था। ओहियो के किशोर रॉबर्ट हेफ्ट ने अमेरिका के वर्तमान ध्वज को डिजाइन किया। 1958 में हेफ्ट हाई स्कूल में जूनियर थे जब उनके इतिहास के शिक्षक ने कक्षा को एक परियोजना सौंपी जिसने अमेरिकी इतिहास में उनकी रुचि का प्रदर्शन किया। हेफ्ट ने 50 सितारों के साथ एक ध्वज बनाया जो इस खबर को दर्शाता है कि हवाई और अलास्का राज्य बनने के लिए तैयार थे। हेफ्ट के शिक्षक प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने उन्हें B- दिया, यह कहते हुए कि अगर उनका झंडा कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उन्हें ग्रेड में सुधार होगा। यह एक फ्लिप टिप्पणी थी लेकिन हेफ्ट ने अपना झांसा दिया और कांग्रेस और व्हाइट हाउस ने ऐसा ही किया। वह इतना दृढ़ था कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने उन्हें 1960 में यह बताने के लिए बुलाया कि उनका ध्वज संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। तीसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं मैकडॉनल्ड ने बबल गम फ्लेवर्ड ब्रोकली की खोज की थी? 2014 में कंपनी के CEO डोनाल्ड थॉमसन ने बच्चों के लिए स्वास्थ्य भोजन विकल्प प्रदान करने के लिए फास्ट फूड की दिग्गज कंपनी बबल गम के स्वाद वाली ब्रोकली बनाई थी। मैकडॉनल्ड ने सोचा था कि स्वीट साइड डिश बच्चों के फास्ट फूड में क्रांति लाने वाला है, तो वास्तविक बच्चों पर ब्रोकली का परीक्षण किए जाने पर उनका बुलबुला फट गया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, सब्जी निर्माण ने अपने इच्छित दर्शकों को बिल्कुल आश्चर्यचकित या प्रसन्न नहीं किया, इसके बजाय बच्चों और युवाओं ने इसे नापसंद किया। चौथा, दोस्तों आप कभी किसी बात पर शर्माते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, पर क्या आप यह जानते हैं कि टर्की भी शर्माते हैं? जी हाँ, जब टर्की डर जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं, जैसे कि जब नर किसी मादा को देखते हैं जिसमें वे रुचि रखते हैं तो उनके सिर और गर्दन की पीली त्वचा चमकदार लाल, नीली या सफ़ेद हो जाती है। उनकी चोंच पर त्वचा का फड़फड़ाना जिसे स्नूट कहा जाता है वह भी लाल हो जाता है। और संभोग के मौसम के दौरान नर टर्की का मवेशी अपने उच्च सेक्स हार्मोन को के स्तर को दिखाने के लिए लाल रंग का हो जाता है। पाँचवा, दोस्तों मिलिए सिंगर टिम स्ट्रॉम से, जिनकी आवाज़ किसी भी इंसान में सबसे गहरी और इसे सिर्फ हाथी ही सुन सकते हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी गायक टिम स्ट्रॉम के पास सबसे कम आवाज़ का विश्व रिकॉर्ड है और वह इतनी कम आवाज़ में नोटों को हिट कर सकते हैं कि केवल हाथी जैसे बड़े जानवर ही उन्हें सुन पाते हैं। तूफान 0.189 हर्ट्ज तक के नोटों तक पहुंच सकता है। एक पियानो पर सबसे कम जी के नीचे 8 सप्तक है। स्ट्रॉम ने मानव द्वारा उत्पादित सबसे कम नोटों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इसमें सबसे व्यापक स्तर रेंज भी है। इनका जन्म तुलसा ओक्लाहोमा में हुआ। सबसे कम नोट के लिए स्ट्रॉम्स का विश्व रिकॉर्ड पहली बार जनवरी 2002 में प्रमाणित हुआ था, हालांकि तब से उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो को पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।